पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ वो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देते हैं। मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भी मैसेज आता है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, उसका डायपोल मोमेंट देखा था। इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क उस पर लगता है और डायपोल को रोटेट कराने में क्या वर्क करना पड़ता है, इतनी चीजों को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू आएगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए बच्चों, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में तीन पोजीशन हमें देखनी रहती है। पहली तो एक्सियल पोजीशन, यानी डायपोल के एक्सिस पे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति या टैन ए स्थिति। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सियल पोजीशन, यानी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर। दूसरा इक्वेटोरियल, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, यानी डायपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर इस लाइन पर कहीं पर। और तीसरा एनी पोजीशन, डायपोल के सेंटर से किसी भी एंगल पे, थीटा एंगल पर अगर कोई जो है पार्टिकल पॉइंट है तो वहां पर क्या होगी। तो वो तीसरी वाली पोजीशन जानने के लिए हमें पहली दूसरी पढ़नी बहुत जरूरी। तो शुरू करते हैं पहली वाली से, जहां पर एक्सियल पोजीशन में या टैन ए पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन जिसको बोलते हैं इसमें है। तो इस केस में क्या है, हमारा एक डायपोल है ए बी, यही चीजें यहां लिखी हुई है। ए बी डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, यानी क्यू चार्ज है इसमें और 2L उसकी सेपरेशन है। और इसके सेंटर O से R दूरी पर एक्सिस पर एक पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहां पर डायपोल को हम लोग पॉइंट चार्जेस में तोड़ करके पढ़ते हैं। तो अपने पास डायपोल ना होकर के यहां दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस Q और दूसरा माइनस Q। तो देखो होगा क्या, थॉट प्रोसेस समझो, रटना नहीं है, एकदम बेसिक चीज। ये पॉजिटिव वाला चार्ज यहां पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ठीक। नेगेटिव वाला चार्ज भी इस पॉइंट पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। पॉजिटिव वाले की फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। नेगेटिव वाले की फील्ड टुवर्ड द चार्ज होगी। ये दोनों फील्ड एक पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। दोनों को आपस में घटा दीजिए, नेट फील्ड यहां पर पता लग जाएगी कि डायपोल से कितनी पैदा हो रही है। यही काम हमें यहां पर करना है। तो सबसे पहली चीज कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज से कितनी फील्ड पैदा हो रही है। तो क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे कितनी फील्ड पैदा होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहां पर चार्ज तो है क्यू। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, तो ध्यान रखना है कि साइन यहां पर नहीं लेंगे चार्ज का, क्योंकि डायरेक्शन ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो चार्ज है क्यू और दूरी कितनी है यहां से, देखो ये दूरी तो है आर और ये है एल, तो बची कितनी हो गई, आर माइनस एल। तो ये हो जाएगा हमारा ई ए, ठीक है ना। ई ए कितना हो जाएगा, ई ए हो जाएगा के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, बी से पी की तरफ, बाहर की तरफ, यानी अलोंग बी पी, वेक्टर बी से पी की तरफ, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये हो जाएगा, सॉरी ये ई बी है, माफ कीजिएगा, और ये हो जाएगा ई ए। ई ए की वैल्यू देखो, चार्ज है क्यू, माइनस है, साइन लेना नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है, और दूरी कितनी है, यहां तक तो आर है और इसमें एल और जोड़, तो ये टोटल दूरी कितनी होगी, आर प्लस एल। तो के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये किधर की तरफ है, पी से ए की तरफ, एलॉन्ग P to A, ठीक है। अब देखो ये दोनों फील्ड्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा। देखो दोनों के न्यूमरेटर सेम है, KQ, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा, यानी दोनों भिन्नों के अंश क्या है, समान है, तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो आर माइनस एल बड़ा है या आर प्लस एल बड़ा है, आर प्लस एल बड़ा है, यानी इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, ये फील्ड ज्यादा होगी, ये फील्ड कम होगी। तो हम लोग ई बी में से क्या करते हैं, ई ए को माइनस कर देते हैं, ठीक है। देयरफोर नेट फील्ड एट पी, नेट फील्ड एट पी कितनी हो जाएगी, ई इज इक्वल टू ई ए, सॉरी ई बी बड़ी वाली फील्ड
माइनस ई ए, और ये टोटल फील्ड आएगी किधर आएगी, बड़ी फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर टू मान लीजिए। तो वन और टू से इसमें अगर हम लोग वैल्यू रखें तो देखो बच्चों यहां पे वैल्यू क्या आ जाती है, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और यहां पर अगर हम लोग इसको क्या करें, कॉमन ले लें के क्यू, तो ब्रैकेट में बचेगा वन माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और इसके बाद एलसीएम लेने वाली बात आ गई, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये देखिए क्या आ जाएगा, इसको यहां पर मैं मैथमेटिक्स में इस पर नहीं फंसूंगा, ये आप कर सकते हैं कॉपी में। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये कितना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इसको सॉल्व करने पर यहां पर ऊपर जो बचेगा ये बचेगा हमारा फोर आर एल, ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व करने पर। और नीचे क्या है देखो, ये ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी दो बार, ए प्लस बी दो बार, तो यहां ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के दो पेयर बनेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक एजम्पशन ली जाएगी, और इस एजम्पशन को लेना तो ठीक है, लेकिन सवाल लगाते समय ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में आर और एल की वैल्यू सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की है तब ये जो फॉर्मूला है ये नहीं रहेगा, तब हमें ये प्रोसेस पूरा का पूरा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर R की वैल्यू क्या है बहुत छोटी है और L की वैल्यू बहुत बड़ी है तो वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला अपना लगा लेंगे, ठीक है। यानी ये जो फॉर्मूला है ये लार्ज R की वैल्यूज के लिए, जब R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा होती है तभी पर ये एप्लीकेबल होता है। तो यहां हम लोग देखते हैं कि सिंस R इज ग्रेटर देन L देयरफॉर L स्क्वायर विल बी निग्लेक्टेड, क्योंकि बड़ी वैल्यूज का इसकी पावर्स बड़ी करो तो वैल्यू बड़ी होती जाती है, और छोटी वैल्यूज की पावर और छोटी, जैसे 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ जाएगा और छोटी हो गई, या 0.01 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0001 आ जाएगा, है ना। लेकिन 10 का स्क्वायर कीजिए तो 100 आ जाएगी। तो वैसे ही है, आर का स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा और एल का स्क्वायर बहुत छोटा, तो एल स्क्वायर को घटाए ना घटाए कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू, इस 4 को मैं 2 इंटू 2 में करके थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 2k इंटू 2ql इंटू r अपॉन, नीचे आ जाएगा r स्क्वायर का स्क्वायर r की पावर 4, तो इसको मैं r क्यूब इंटू r लिख दे रहा हूं, तो r से r कैंसिल हो गया और ये जो है 2ql ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, है ना, डायपोल मोमेंट p हो जाएगा। तो यहां से देखो आप ये इसको e एक्सियल लिख देते हैं ना, e एक्सियल, ये एक्सियल, ठीक है। तो मैं इधर बिठा करके करने जा रहा हूं, तो देखिए ई एक्सियल कितना हो जाएगा, ई एक्सियल हो जाएगा के इंटू टू पी अपॉन आर क्यूब, और के क्या है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इतने वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलॉम, जिस भी यूनिट में आप लिखना चाहिए, वेबर पर मीटर स्क्वायर में, ये हो गया। अब अगर हमें लिखना है क्या, वेक्टर फॉर्म, इसका क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म, तो आप जरा इसके सेंटर पर देखो पी, क्योंकि यहां पर वेक्टर क्या है, पी, यहां वेक्टर क्या है, पी है, तो P के ही टर्म में हम इसको लिख पाएंगे। तो इसके सेंटर पर जरा देखो वेक्टर P की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस, यानी वेक्टर P की डायरेक्शन ये है, और यहां पर जो बड़ी फील्ड थी वो किधर थी, इस तरफ थी, छोटी फील्ड इधर की तरफ, तो जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी ये देखो इधर है EB और इधर है EA, एंड EB इज ग्रेटर देन EA, तो जो नेट E होगा वो किधर की तरफ होगा, ई एक्सियल, इधर की तरफ। यानी कि एक चीज हम जान रहे हैं कि
कि एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है ना, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डायपोल मोमेंट के पैरेलल होती है। तो यहां पर इन वेक्टर फॉर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ई एक्सियल इज इक्वल टू के इंटू टू वेक्टर पी अपॉन आर क्यू। ये हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, अगर इस तरफ हम लेंगे तो यहां पर भी वही चीज आएगी, देख लीजिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, ये सेंटर इस पॉइंट पर ले रहा हूं मैं पी पर। तो देखो यहां पे क्या है, माइनस क्यू वाला चार्ज पास में है ना, तो इसकी फील्ड क्या होगी, बड़ी होगी। इसको अगर आप ए लिखते हो, इसको बी लिखते हो, तो ई ए इधर की तरफ होगा, पॉजिटिव वाले से फील्ड बाहर की तरफ होगी, ई बी। अब देखो उससे चार्ज का अमाउंट सेम है, तो जिसकी दूरी ज्यादा वो फील्ड वीक, प्लस क्यू वाले से दूर है यानी ई बी छोटा होगा और ई ए बड़ा होगा, तो ई ए विल बी ग्रेटर देन ई बी। तो नेट फील्ड किधर आएगी, बड़े वाले की तरफ, ई ए की तरफ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई। अब जरा यहां पर देख लीजिए कि पी की डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस, तो आया ना कि चाहे इधर ले या इधर ले, जो एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो हमेशा क्या होगी, पी के पैरेलल यानी पी की दिशा में आती है, ठीक है, ई इज ऑलवेज अलोंग वेक्टर पी। ये इतनी चीज किसमें थी, हमारे एक्सियल पोजीशन में। अगला क्या है, इक्वाटोरियल पोजीशन या टैन बी पोजीशन। इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, इक्वाटोरियल वाला, इक्वाटोरियल में क्या है कि एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन इक्वेटर कहलाती है, यानी हम इक्वाटोरियल पॉइंट पर निकालना है, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर एक जो लाइन है उस पर निकालना है। बस क्या है कि ये लाइन कहां से जा रही है, इसके मिड पॉइंट से जा रही है, यानी डायपोल के सेंटर से पास हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेटर पर आर डिस्टेंस पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, यहां पर हमें इस डायपोल के कारण क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। प्रोसेस फिर वही रहेगा, प्लस क्यू के कारण यहां फील्ड निकालिए, माइनस क्यू के कारण यहां फील्ड निकालिए, दोनों फील्ड्स का इंटरेक्शन देखिए यानी वेक्टर, उसका एडिशन देखिए, और वही हमारी नेट फील्ड हो जाएगी। तो देखो अगर ये डिस्टेंस एल है यानी डायपोल की हाफ लेंथ, और ये क्या है हमारी आर है पोजीशन, तो इस चार्ज से ये कितनी दूर है, पॉइंट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और सेम वही डिस्टेंस इस चार्ज से भी है। तो ध्यान से देखो, चार्ज का अमाउंट सेम और डिस्टेंस भी सेम है। तो अगर E is equal to K Q by R में Q और R ये दोनों सेम हैं, तो यानी कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगी, डायरेक्शन में हो सकता है आगे पीछे हो। तो सबसे पहले हम लोग E A और E B की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो E A और E B इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और ये कितना आ जाएगा, K Q अपॉन इसका स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर, इसको आप मान लो कि ये है, ये इस तरीके से एक ई है ना, ये टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, इसको इक्वेशन नंबर वन। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर इस लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी कितनी, है ना, ये नेगेटिव चार्ज वाली चार्ज की तरफ लगेगी। अब ये दोनों एंगल कितना, ये दोनों क्या हो रही है, ये भी कितनी लगी E। अब इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन माने और क्या करें, इन E को डिकम्पोज करें, तो इस बेस की यानी इस डायपोल के पैरेलल एक लाइन खींच लें, तो बेटा ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इनको अगर ये ट्रांसवर्सल यानी एक तिर्यक रेखा कट कर रही, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला भी थीटा करेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये अगर ट्रांसवर्स कट करे तो ये थीटा, तो ये वाला थीटा अल्टरनेट एंगल, क्लियर है। इस E को जरा आप डिकम्पोज करें, तो इधर आ जाएगा E cos थीटा, और ऊपर आ जाएगा E sin थीटा। इस E को डिकम्पोज करें तो इधर आ जाएगा E cos थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा E sin थीटा। तो जरा देखो, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे कितनी हो जाएगी, जीरो, और E cos थीटा ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहां पर सिंस E इक्वाटोरियल, ये जो E इक्वाटोरियल बनेगा ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ E cos थीटा के, है ना, और E की वैल्यू हमारे पास ये है, cos थीटा की वैल्यू हम लोग इस किसी ट्राइंगल से फाइंड कर रहे हैं,
तो यहां पे देख लेते हैं क्वेश्चंस, यहीं पर निकाल लेता हूं क्वेश्चंस। कॉस थीटा, आप देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन थीटा के लिए बेस ये है और हाइपोटेन्यूज, या यहां देख लें ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस थीटा हो जाएगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ अंडर रूट है। तो ई की वैल्यू इक्वेशन वन से और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू से हम अपने इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा ई इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा, टू के क्यू इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। अब देखो यहां पर 2QL इतने को क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, ये 2QL को क्या करते हैं, P लिख दें। तो E इक्वेटोरियल बराबर कितना आ जाएगा हमारा, K P अपॉन, अब यहां पर बेटे पावर 1 है, यहां पावर हाफ है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एड 1 और हाफ को ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। फिर से वही assumption, L square tending to zero, क्यों, because L is very less than R, तो इसको L को जीरो कर दीजिए तो देखिए यहां भी क्या आ जाएगा, R square की पावर 3/2 यानी बचेगा R cube। तो यहां पर जो है E equatorial जो बचेगा वो कितना बचेगा, K P by R cube। तो क्या ये वैल्यू एक्सियल की आधी आई है ना, ये वैल्यू कैसी आई है, एक्सियल की हाफ आई है, कैसी आई है हाफ, आर दूरी पर एक्सियल पोजीशन में कितना था, 2kp अपॉन आर क्यूब है ना, और इक्वेटोरियल में कितना हो गया, kp अपॉन आर क्यूब। ये हमारा आगे इक्वेशन नंबर 3, इतने न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर जिस भी यूनिट में आप लिखना चाहें। अब देखना है इसका वेक्टर फॉर्म की क्या ये अभी भी पी के पैरेलल है या इसकी दिशा कुछ और हो गई। तो आप अगर इस पॉइंट पर देखें तो P की दिशा क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस, यानी P की डायरेक्शन क्या है, इधर है, और E की डायरेक्शन किधर है, इधर, यानी कि P की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर एक माइनस साइन जनरेट होगा, क्यों, क्योंकि ये जो E इक्वेटोरियल है ये P की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सिंस इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में ई इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, माइनस के पी अपॉन आर क्यू, और यहां पर माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस माइनस साइन शोज दैट ई इक्वेटोरियल इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर पी, इन दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहां से हमें एक चीज और मिली देखने को, इसको इक्वेशन नंबर 4 आप ले लो, तो E एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या है ये, दो गुना होता है, और डायरेक्शन में कैसा होता है, उल्टा होता है। अब हम लोग तीसरे केस को आसानी से पढ़ सकते हैं, बुक में देखने में बड़ा टफ लगता है लेकिन इन दोनों की सहायता से क्या होगा, अभी बहुत इजिली आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि E एक्सियल 2kp/r³ होता है और E इक्वेटोरियल कितना होता है, kp/r³, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, आगे एनी पोजीशन पढ़ते हैं। तो अब यहां पर देखो बच्चों क्या है कि एक डायपोल ले लिया है, वही AB जिसका डायपोल मोमेंट क्या है, p = q × 2l, ठीक है। अब क्या है कि इसकी एक्सिस से थीटा डिग्री पर r दूरी पर एक पॉइंट है P, यहां पर हमें क्या करना है, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। तो देखो यहां से डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना हमारे लिए क्या है, टेढ़ी की रहे, हमको इसमें ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम, एक्यूट एंगल थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों ने 10वें में नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है, 11th में भी आपको नहीं पढ़ाई गई है, हम लोगों के टाइम में पढ़ाई जाती थी। तो अब उसके लिए क्या इलाज बचा, जो हम जानते हैं वहां से इसको फाइंड करें, लेकिन हमें क्या पता है, हमें या तो एक्सिस पर पता है फील्ड निकालना या एक्सिस के परपेंडिकुलर फील्ड निकालना पता है। तो इसके लिए थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। डायपोल को बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, उसका डायपोल मूवमेंट है, यानी इस पॉइंट पर जो डायपोल मूवमेंट होगा, ये माइनस, इधर मैं प्लस ले लेता हूं तो आसानी रहेगी, ये माइनस कर देते हैं ना, तो माइनस से प्लस यानी इधर की तरफ,
सेक्टर पी है ना, यही तो। अब हम क्या करते हैं, इस पी को डिकम्पोज कर लेते हैं अलोंग आर और परपेंडिकुलर टू आर, यानी इस पी को डिकम्पोज कर लो। पी को डिकम्पोज करने का मतलब पता है, अब हम इस डायपोल को दो परपेंडिकुलर डायपोल्स का कॉम्बिनेशन बना दे रहे हैं, तो पी इधर कितना आएगा, ये इधर आ जाएगा पी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आ जाएगा पी साइन थीटा। तो ये पी कॉस थीटा अब एक डायपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी साइन थीटा ऐसे दूसरे डायपोल को, यानी ये दो पी कॉस थीटा वाला और पी साइन थीटा डायपोल मूवमेंट के दो इलेक्ट्रिक डायपोल्स ऐसे परपेंडिकुलर रखे जाएंगे, तो क्या होगा इस डायरेक्शन में पी का है ना पी मूवमेंट का एक डायपोल बनेगा। इसका ये मतलब हुआ, पी को जब आपने पी कॉस थीटा पी साइन थीटा में डिकम्पोज किया तो हम फार्मूला लगाने की स्थिति में आ गए कि ये जो पॉइंट है ये पी कॉस थीटा के एक्सिस पर सेंटर से आर दूरी पर है एक्सियल पोजिशन, और पी साइन थीटा है ना पी साइन थीटा इसके इक्वेटर पर है, यानी इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो सिंस डायपोल मोमेंट पी ऑफ द डायपोल ए बी इज decomposed along and perpendicular to R, ठीक है, due to which two perpendicular dipole moments P cos theta and P sin theta are अचीव्ड, ठीक है ना। तो इसके कारण यहां पर इस तरफ ई एक्सियल प्रोड्यूस होगा, क्लियर है ना, और इक्वाटोरियल में पी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये पी साइन थीटा इधर है तो पी साइन थीटा के एंटी पैरेलल इधर, इससे 90 डिग्री पर ई इक्वाटोरियल, और चूंकि ये दोनों कितने पर हैं 90 डिग्री पर है ना, तो इनका वेक्टर सम आसानी से किया जा सकता है, E बराबर अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर ई एक्सियल प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर देयरफॉर ई एक्सियल ड्यू टू पी कॉस थीटा, और ई एक्सियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सियल कितना होता है 2kp अपॉन, तो जब पी डायपोल मोमेंट होता है तो 2kp लिखते हैं, यहां पर कॉस थीटा है तो कितना हो जाएगा 2kp cos theta upon r cube, ठीक है, ये मिलेगा। सिमिलरली e इक्वेटोरियल ये किसके कारण मिल रहा है, p sin theta के कारण, जो कि कितना होता है kp by r cube, तो ये हो जाएगा kp की जगह पर क्या हो जाएगा p sin theta, वो जो डायपोल मोमेंट है अपॉन आर क्यूब। बहुत ही फिनांस से समझिए, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। देयरफॉर ई नेट कितना हो जाएगा, जो इसकी मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ई एक्सियल का होल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा के स्क्वायर पी स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर टू द पावर 6, ठीक है ना। के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन ले तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा और साइन स्क्वायर थीटा के साथ ऐड होकर कितना बना लेगा 1, कितना बनाएगा 1। तो इसको आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं ऊपर का कुछ पार्ट ड्रॉप कर देता हूं। देयरफॉर ई नेट
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर सिक्स, आप कॉमन लो तो यहां पर हो जाएगा, अब जो फोर कॉस स्क्वायर थीटा है उसको मैं थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में लिख दे रहा हूं, तीन चार कॉस स्क्वायर थीटा को थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा यहां से कॉमन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन, इस टर्म की वैल्यू वन हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या हमारा e रेट इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी आ जाएगी e की वैल्यू। अब देखो एक्सियल पोजीशन के लिए आप क्या करो, थीटा की वैल्यू जीरो रखो तो कितना हो जाएगा वन प्लस थ्री यानी अंडर रूट फोर, बचेगा टू, तो एक्सियल पोजीशन के लिए टू के पी आ जाएगा, ठीक। इक्वेटोरियल के लिए थीटा की वैल्यू 90 रखो, चलो यहां पे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा केपी बाई आर क्यूब, यानी इस फॉर्मूले से हम लोग सारे फॉर्मूले इसके साथ साथ पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं ई और बी के रिलेशन से, तो वो तो चीज आगे की हुई, इसको इक्वेशन नंबर ये आपका पांच या छह आएगा कोई, इसको देख लीजिएगा कौन सा आएगा, इतने न्यूटन पर कूलम है ना, और इनके डिवीजन से हम लोग क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सपोज करिए कि इससे इक्वेटोरियल से आप फाइंड कर रहे हो है ना, तो इक्वेटोरियल से फाइंड कर रहे हो तो ई एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल टेन थीटा हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, तो ये ई इक्वेटोरियल से आएगी, अगर टेन बीटा निकालना है इधर से तो इसको बेस पे लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो मुश्किल फॉर्मूला था उसको देखिए हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, तो ये जो था ये प्रोसेस था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल के कारण चाहे एक्सियल पॉइंट पर चाहे इक्वेटोरियल पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर डायपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, ये उसका फॉर्मूला था, जितनी मुझसे हो सका मैंने आसान शब्दों में कम से कम समय में आपको बताने की कोशिश की है, तो इसको देखिए सीखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, आगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से साथ में